अदिति रावी की शादी में गई थी। वो बेसब्री से विवान का वेट कर रही थी, तभी उसे विवान आता हुआ दिखाई दिया। वो उठकर उसके पास गई। विवान ने जब अदिति को देखा तो बस देखता ही रह गया। उसे अदिति वैसे भी बहुत खूबसूरत लगती थी, पर आज तो वो जैसे बिल्कुल किसी अप्सरा की तरह लग रही थी। विवान इसके आगे कुछ और सोचता या समझता उससे पहले ही उसके मुंह से निकला, "You're looking gorgeous." अदिति ये सुनकर शर्मा गई। वो मुस्कुराते हुए बोली, "थैंक यू, अच्छा चलो मैं तुम्हें रावी और आयुष से मिलवाती हूँ." इतना कहकर वो विवान को लेकर स्टेज पर गई। रावी ने जैसे ही विवान को देखा वो खुश होकर बोली, "विवान, इट्स रियली प्लेजर टू हैव यू हियर." फिर वो आयुष से बोली, "आयुष, ये है विवान मेहता." आयुष ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, "ऑफ कोर्स, इन्हें कौन नहीं जानता." विवान ने मुस्कुराते हुए आयुष से हाथ मिलाया और फिर अपने हाथ में पकड़ा बुके उन दोनों की ओर बढ़ाते हुए कहा, "कंग्रेचुलेशंस." रावी ने मुस्कुराते हुए कहा, "थैंक यू सो मच विवान, आपने मुझे आज का सबसे अच्छा गिफ्ट दिया है। आप मेरी अदिति को यहाँ लेकर आए, इससे अच्छा गिफ्ट और कुछ नहीं हो सकता." अदिति ने हंसते हुए रावी को गले लगा लिया। फिर वो और विवान स्टेज से उतर कर नीचे आ गए। विवान बार बार अदिति को ही देख रहा था। आज उसकी नजरें अदिति पर से हट ही नहीं रही थी। वो और अदिति जाकर स्टेज के सामने लगी चेयर्स पर बैठ गए। अदिति ने कहा, "मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि तुम आओगे." विवान ने जवाब दिया, "मैं नहीं आना चाहता था, पर तुम्हारी बात को टाल भी नहीं सकता था, इसलिए आ गया." अदिति को समझ में नहीं आ रहा था कि विवान को हो क्या गया है, वो ऐसी बातें क्यों कर रहा है। वो बोली, चलो कुछ खाते हैं। दोनों ने जाकर डिनर किया। खाना खाने के बाद विवान ने अदिति से कहा, "अदिति, आई थिंक अब हमें चलना चाहिए, वरना हम बहुत लेट हो जाएंगे, और इस कंडीशन में तुम्हें ज्यादा एक्सर्शन नहीं करना चाहिए." अदिति ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, "ठीक है, मैं रावी को बाय बोलकर आती हूँ, फिर चलते हैं." इतना कहकर वो स्टेज की ओर चल दी और विवान उसे देखने लगा। वो स्टेज तक पहुंची ही थी कि रॉकी ने पीछे से आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। अदिति ने चौंक कर पीछे देखा। रॉकी को देखकर वो मुस्कुराने लगी। रॉकी ने उसे हक किया। विवान दूर खड़ा ये सब देख रहा था। उसके दिल में जलन की एक तेज लहर उठी। उसका दिल किया कि वो जाकर रॉकी को एक जोरदार घूंसा मारे। इधर अदिति ने रॉकी के हाथ पर मारते हुए कहा, "तू कहां था सुबह से?" रॉकी ने रावी की ओर इशारा करते हुए कहा, "ये अपनी सहेली से पूछो, इसी के काम में लगा हुआ था। अच्छा तू यहाँ कैसे? तू तो नहीं आने वाली थी ना, फिर अचानक कैसे आ गई?" अदिति ने हंसते हुए कहा, "बस यार, एक फ्रेंड के साथ आई हूँ." रॉकी ने थोड़ी शक भरी आवाज से पूछा, "फ्रेंड? तो मेरे साथ ही आ जाती, मैं फ्रेंड नहीं हूँ क्या? या ये कोई स्पेशल फ्रेंड है, हाँ?" अदिति बोली, "नहीं रे, ऐसी कोई बात नहीं है। जब तुझसे बात हुई ना, तब मेरा आने का प्लान नहीं था, ये तो अचानक ही प्लान बना और मुझे साथ भी मिल गया तो आ गई। अच्छा ये सब छोड़, चल रावी से मिलते हैं, एक ग्रुप फोटो हो जाए, फिर मुझे भी निकलना है." रॉकी ने थोड़ा हैरान होकर कहा, "निकलना है इतनी जल्दी? अभी तो मिले हैं यार, रुकना कुछ देर और मस्ती करते हैं." अदिति ने कहा, "नहीं यार, मुझे निकलना होगा, कल कुछ बहुत जरूरी काम है इसलिए." "चल ठीक है, आ रावी से मिलते हैं." इतना कहकर उसने हंसते हुए अदिति का हाथ पकड़ा और स्टेज पर गया। विवान को रॉकी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। उसे अचानक से अदिति पर भी गुस्सा आ रहा था। अब अदिति और रॉकी रावी और आयुष के साथ फोटो खिंचवा रहे थे। एक पोज देते हुए रॉकी ने अपना एक हाथ रावी के गले में और एक हाथ अदिति के गले में डाला। विवान उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा था। उसे इतनी जलन आज से पहले कभी फील नहीं हुई थी। फोटो सेशन खत्म होने के बाद अदिति ने रावी से कहा, "चल अब मैं चलती हूँ, विवान को कल कुछ काम है तो हमें अभी निकलना होगा, सॉरी यार तेरी विदाई तक नहीं रुक पाई." रावी ने उसके गाल पर हाथ रखते हुए कहा, "तू आ गई उतना ही बहुत है, और फिर मैं तुझसे विदा तो हो ही नहीं सकती हूँ, हाँ?" अदिति हंसने लगी। फिर वो आयुष की ओर मुड़ी और बोली, "आयुष, इसका ध्यान रखना." आयुष ने हंसते हुए हाँ में सिर हिलाया। रावी ने अदिति को गले लगाते हुए कहा, "आई विल मिस यू यार." अदिति भी बोली, "आई विल मिस यू टू." रावी से अलग होते हुए उसे रोना आ रहा था, पर वो जानती थी कि अगर रावी ने उसकी आंखों में आंसू देख लिए तो वो भी रोने लगेगी, और वो नहीं चाहती थी कि आज के दिन रावी की आंखों में आंसू आए।
इसलिए उसने खुद को कंट्रोल किया और उसे हंसते हुए बाय बोला, जल्दी से स्टेज से नीचे आ गई। वो ज्यादा देर तक अपना रोना रोक नहीं सकती थी। स्टेज से नीचे आते ही उसके आंसू छलक गए। वो विवान की तरफ बढ़ रही थी। विवान ने देखा कि वो रो रही थी। ये देखकर उसे अच्छा नहीं लग रहा था। वो अदिति को तसल्ली देना चाहता था, पर तभी उसने देखा कि रॉकी भी उसके पीछे पीछे आ गया था। अदिति की आंखों में अभी भी आंसू थे। वो विवान के पास आकर खड़ी हो गई। विवान कुछ बोलता उसके पहले रॉकी ने कहा, प्लीज मत रो यार, मैं तुझे रोते हुए नहीं देख सकता। विवान गुस्से से रॉकी को देख रहा था, पर रॉकी का पूरा ध्यान अदिति पर था। विवान ने देखा रोने की वजह से अदिति की आंखों का काजल थोड़ा फैल गया था। विवान उसे इस बारे में बताता उससे पहले रॉकी ने कहा, इधर ये चेहरे पर क्या लगा है? और इतना कहकर उसने अदिति के गालों पर फैला काजल साफ कर दिया। विवान ने जब ये देखा तो उसे तेज गुस्से और जलन का एहसास हुआ। फिर रॉकी ने अदिति से कहा, सुनना, मैं भी अभी कुछ देर में ही निकलने वाला हूँ, तू मेरे साथ ही चलना। विवान से अब सहन नहीं हो रहा था। वो थोड़ा गुस्से से बोला, अदिति मेरे साथ जाने वाली है। रॉकी ने हैरानी से कहा, ओह अच्छा, और आप है कौन? अदिति ने इस सिचुएशन को संभालते हुए कहा, रॉकी ये विवान है मेरा फ्रेंड, और विवान ये रॉकी है, रॉकी भी मेरा दोस्त है। रॉकी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, हाय मैम। विवान ने अपना हाथ आगे किया, पर अपनी सिर्फ उंगलियां ही रॉकी के हाथ से टच की। रॉकी विवान की इस हरकत से हैरान था, फिर भी वो कुछ नहीं बोला। उसने अदिति की ओर देखा और उससे कहा, अच्छा तो ये है वो फ्रेंड जिसके साथ तू आई है? अच्छा चल ये बता कि तू अब कब मिलेगी? अदिति ने मुस्कुराते हुए कहा, लेट्स सी, मैं तुझे कॉल करूंगी। रॉकी ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे मैं तुझे एक बात कहना तो भूल ही गया, तू आज बहुत ही अच्छी लग रही है। मन तो कर रहा है कि अभी तुझसे शादी कर लूं। वैसे इट्स अ गुड आइडिया, हम तीनों की शादी एक साथ ही एक ही दिन में हो जाएगी। क्या बोलती है, करेगी मुझसे शादी? अदिति ने हंसते हुए उसकी पीठ पर मारा और बोली, चुप कर पागल, बिना सोचे समझे क्या कुछ भी बकवास करता है। रॉकी अपने दिल पर हाथ रखते हुए बोला, लो मेरे दिल की बात तुझे बकवास लगती है क्या यार? अदिति ने उसे आंखें दिखाते हुए कहा, अब तू बस करेगा, चलो मैं जा रही हूँ, बाय। इतना कहकर उसने विवान की ओर देखा, जो इस समय बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। कुछ देर पहले तक उसके चेहरे पर जो खुशी नजर आ रही थी वो अचानक गायब हो गई थी। अदिति को इसका कारण समझ में नहीं आया। फिर उसने सोचा शायद वो थक गया होगा। वो खुद भी बहुत थकान महसूस कर रही थी। अदिति विवान के साथ मैरिज हॉल से बाहर आई। कार में बैठने के बाद उसे एहसास हुआ कि वो कितनी थक गई थी। उसने सीट को थोड़ा पीछे किया और उस पर लेट सी गई। विवान कार ड्राइव करने लगा। अदिति ने नोटिस किया विवान बिल्कुल चुप था। शादी से निकलने के बाद से वो उखड़ा उखड़ा लग रहा था। वो सोच रही थी, कहीं से अपनी शादी तो याद नहीं आ गई, इस वजह से तो ये परेशान नहीं है ना? पर अभी शादी में तो ये ठीक था, एकदम से इसका मूड कैसे खराब हो गया? यही सोच उसने पूछा, क्या हुआ विवान, तुम ठीक तो हो ना? विवान ने सिर्फ हूं कहा और ड्राइव करता रहा। अदिति ने नोटिस किया कि विवान के चेहरे पर अचानक एक अलग ही तरह का टेंशन नजर आ रहा था। उसे अब यकीन हो चला था कि विवान पक्का अपनी पुरानी यादों में खो गया है, इसी कारण उसे तकलीफ हो रही है। मैं भी ना, मुझे से यहाँ आने के लिए कहना ही नहीं चाहिए था। अब कहीं ये फिर से घर छोड़कर ना चला जाए, बहुत मुश्किल से तो ये नॉर्मल हुआ था। सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था यार, मैंने इसे शादी में आने के लिए क्यों फोर्स किया? कुछ देर तक माहौल में ऐसी ही खामोशी छाई रही जिसमें अदिति विवान के बारे में सोचती रही। कुछ देर के बाद उसने बात करने की कोशिश करते हुए कहा, विवान रावी और आयुष की जोड़ी कितनी खूबसूरत है ना, दोनों साथ में कितना खुश भी नजर आ रहे थे, एकदम मेड फॉर ईच अदर टाइप्स। विवान ने उसकी बात पर कोई भी रिएक्शन नहीं दिया और अपना एक हाथ स्टीयरिंग से हटाकर अपने सर पर रखते हुए गाड़ी को और तेज चलाने लगा। अदिति उसके इस अंदाज से परेशान होकर सोचने लगी, ये कैसा आदमी है, कुछ समझ नहीं आता। अभी थोड़ी देर पहले तो मजे से बात कर रहा था, अपनी मर्जी से मेरे साथ आया भी था, और अब पता नहीं इसे क्या फितूर चढ़ा है कि मुझसे बात करने का तो छोड़ो मेरी तरफ देख भी नहीं रहा है। मुझे तो लगता है इसके दिमाग में कोई केमिकल लोचा है, इसलिए तो हर थोड़ी देर में ये ऐसा सनकी टाइप का बिहेव करने लगता है।
अदिति अपनी सोच में डूबी थी और अचानक विवान ने एक मुश्किल मोड़ पर तेज रफ्तार से चल रही गाड़ी को बहुत शार्प एंगल पर टर्न दिया। शायद वो भूल गया था कि अदिति उसके साथ ही बैठी हुई थी। अपनी सोच में डूबी अदिति भी संभल कर नहीं बैठी थी और अचानक लगे स्पीड के झटके से अपनी सीट से आगे की तरफ उछलते हुए डैशबोर्ड से टकराते टकराते बची। अपने पेट में जोर का झटका महसूस करते हुए अदिति ने दर्द से कराहते हुए विवान की ओर गुस्से से देख कर कहा, ये क्या कर रहे हो विवान, ऐसे कैसे गाड़ी चला रहे हो। लेकिन विवान पर उसकी इस बात का कोई असर नहीं हुआ और वो उसी तरह बेतहाशा गाड़ी चलाता रहा। वो तो जैसे किसी जुनून में गाड़ी चला रहा था। ये देखकर अदिति घबरा गई और चिल्ला कर बोली, गाड़ी रोको विवान, स्टॉप द कार, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना, तुम बिल्कुल पागल हो विवान, तुम मेरी बात सुन रही हो या नहीं। विवान शायद सच में उसकी बात नहीं सुन रहा था। अदिति को अब डर लगने लगा था। वो रोते हुए बोली, मुझे बहुत दर्द हो रहा है विवान, प्लीज गाड़ी रोको। विवान ने जैसे ही ये सुना उसने तुरंत गाड़ी एक साइड करके रोक दी और अदिति को देखने लगा जो अब जोर जोर से रो रही थी। विवान उसे ऐसे देख कर घबरा गया। उसने घबराते हुए पूछा, तुम ठीक तो अदिति, हम सॉरी यार, मुझे पता नहीं क्या हो गया था, तुम ठीक हो ना। अदिति ने एक झटके के साथ अपनी सीट बेल्ट खोली और डोर ओपन करके कार से उतर गई। इस समय वो दोनों हाईवे पर खड़ी थी। उनके सामने से गाड़ियां तेजी से आ जा रही थी। विवान भी कार से उतरा और अदिति के पास चला गया। उसने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अदिति मुझे बहुत घबराहट हो रही है, प्लीज बताओ तुम ठीक हो ना। अदिति ने उसका हाथ झटकते हुए कहा, नहीं मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, पर तुम्हें इससे क्या, तुम्हें हो क्या जाता है विवान, ये कोई तरीका है कार चलाने का, तुम जानते हो कुछ भी हो सकता था, मैं मर सकती थी या उससे भी वर्स्ट हमारा बच्चा। अदिति इसके आगे नहीं बोल पाई और अपने मुंह को अपने हाथों से ढक कर जोर से रोने लगी। विवान को अब एहसास हो रहा था कि गुस्से में वो क्या कर रहा था और इससे क्या हो सकता था। उसने आगे बढ़कर अदिति को गले से लगा लिया और बोला, प्लीज ऐसा मत कहो अदिति, मैं ये सुनना भी सहन नहीं कर पाऊंगा, मैं तुम्हें और इस बच्चे को दोनों को कुछ नहीं होने दे सकता। अदिति ने उसे खुद से अलग किया और रोते हुए बोली, तुम पहले ये बताओ कि ये सब तुमने क्यों किया, आखिर तुम अचानक ऐसे क्यों हो गए, शादी में तो तुम ठीक थे, मुझे शादी में ले जाने का आइडिया भी तुम्हारा ही था, फिर ये सब क्यों। विवान पलटा और सड़क की ओर दो कदम चलता हुआ बोला, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा अदिति कि मुझे क्या हो गया था, बस अचानक से बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा, जब से मैंने तुम्हारे उस दोस्त को तुम्हारे साथ देखा है तब से बहुत बेचैनी सी फील हो रही है, और जब उसने तुमसे शादी की बात की तो पता नहीं क्यों मुझसे सहन नहीं हुआ, और ये सब उसी फ्रस्ट्रेशन का कारण है। अदिति ने अपने आंसू पोंछे और हैरानी से बोली, तुम रॉकी की वजह से गुस्सा हो, पर क्यों, तुम्हें उसके कुछ भी कहने या करने से इतना गुस्सा क्यों आया। विवान उसके पास आया और उसके दोनों कंधों को पकड़ता हुआ बोला, Because I love you, damn it. I love you very much. अदिति का मुंह हैरानी से खुला रह गया। उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। विवान ने अभी-अभी उससे अपने प्यार का इजहार किया था। क्या ये सब सच है या फिर कोई प्यारा सा सपना? अदिति बस एक टक विवान को देखे जा रही थी। विवान उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मैं तुम्हें काफी पहले ये बता देना चाहता था, पर डर लगता था कि कहीं तुम मुझसे दूर चली गई तो क्या होगा, पर अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूं अदिति, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। विवान ने अदिति से अपने दिल की बात कह दी थी। वो दोनों हाईवे पर खड़े थे। अदिति एकदम शॉक्ड थी। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि अभी अभी विवान ने क्या कहा था। ये बात तो उसने सपने में भी नहीं सोची थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे या उसके इस कन्फेशन पर कैसे रिएक्ट करे, इसलिए वो बिना कुछ बोले कार में जाकर बैठ गई। विवान अभी भी कार के बोनट पर टिक कर खड़ा था। उसने अपने हाथों को अपने चेहरे पर घुमाया और फिर अपने सर पर हाथ रखकर सोचने लगा।
कहीं मैंने इसे अपनी दिल की बात बताकर कोई गलती तो नहीं कर दी? इसे बुरा तो नहीं लग गया? ओह गॉड, डेफिनेटली इसे बुरा लगा है, तभी तो बिना कुछ बोले चली गई। अब क्या करूं? कुछ मिनट वहां खड़े रहने के बाद विवान भी कार में आकर बैठ गया। उसने एक नजर अदिति की ओर देखा। वो अपनी आंखें बंद किए सीट पर टिक कर बैठी थी। उसने धीरे से उससे पूछा, तुम ठीक हो ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना? अदिति ने सिर्फ ना में सिर हिला दिया, पर कुछ बोली नहीं। विवान ने कार स्टार्ट की और आगे बढ़ गया। अब वो बिल्कुल आराम से कार चला रहा था। वो इस समय अदिति के बारे में ही सोच रहा था। उसे अपने कुछ देर पहले के बिहेवियर पर शर्म आ रही थी। वो मन ही मन खुद को डांटते हुए बोला, अदिति सच बोल रही थी, आज कुछ भी हो सकता था, मुझे खुद पर कंट्रोल करना सीखना होगा। उसे उस समय खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो ड्राइव करते हुए बार बार अदिति की ओर देख रहा था, जो सो चुकी थी या सोने का नाटक कर रही थी। पूरे रास्ते अदिति ने अपनी आंखें नहीं खोली, इसलिए पूरा रास्ता खामोशी में ही कटा। कुछ घंटों बाद जब वो दोनों घर पहुंच गए तो विवान कार से उतरा और फिर उसने अदिति की तरफ का डोर ओपन किया। उसने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, अदिति। अदिति ने चौंक कर आंखें खोली। ये देख विवान ने तुरंत अपना हाथ हटाया और बोला, घर आ गया, चलो। अदिति ने सीट बेल्ट खोली और कार से उतर गई। घर पहुंचने के बाद अदिति बिना कुछ बोले सीधे अपने रूम में चली गई। विवान अब गिल्टी फील कर रहा था। वो भी अपने रूम में जाकर सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसने आज अपनी जलन और गुस्से में जो कुछ भी किया था, उसके कारण वो खुद पर बहुत गुस्सा था। उसे आंखें बंद करते ही वो पल याद आ रहा था जब अदिति चीखते हुए उसे कार रोकने के लिए बोल रही थी। विवान को उसे रोते देखकर बहुत तकलीफ हुई थी और अभी भी उसे सब याद करके बुरा लग रहा था। वो सोच रहा था, कहीं उसे सच में कोई तकलीफ तो नहीं हुई होगी ना, एक बार देख कर आता हूं। इतना सोचकर वो उठा और अदिति के कमरे में चला गया। उसे ये देखकर हैरानी हुई कि दरवाजा केवल अटका हुआ था। उसने हल्के से दरवाजा खोला और रूम में देखा। उसे अदिति कहीं भी नहीं दिखी। उसे लगा हमेशा की तरह वो बालकनी में बैठी होगी, इसलिए वो बालकनी की तरफ बढ़ गया, पर वो वहां भी नहीं थी। ये देखकर वो परेशान हो गया। वो सोच रहा था कि अदिति जाने कहां चली गई है, शायद किचन में हो। ये सोचते हुए वो वापस रूम में आया। वो बाहर जाने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ा ही था कि बाथरूम का दरवाजा खुला और अदिति बाहर आई। अदिति ने इस वक्त केपरी और शॉर्ट टॉप पहना हुआ था। वो विवान को वहां देखकर चौंक गई। विवान भी उसे ऐसे देखकर हिचकिचा रहा था। अदिति ने आगे बढ़ते हुए पूछा, क्या हुआ विवान, तुम इस वक्त यहाँ? विवान ने हिचकिचाते हुए कहा, वो मैं सिर्फ ये पूछने आया था कि तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हो रही ना? अगर दर्द हो रहा है तो क्या हम डॉक्टर के पास चले? अदिति ने बेड पर रखे कपड़ों को वार्डरोब में रखते हुए जवाब दिया, नहीं मैं ठीक हूँ, बस थक गई हूँ और सोना चाहती हूँ। अदिति के कहने के अंदाज से साफ लग रहा था कि वो इस समय विवान से कोई बात नहीं करना चाहती। उसने विवान की तरफ देखा भी नहीं। विवान कुछ सेकंड्स के लिए रुका। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ कहना चाहता हो, पर उसे शब्द ही नहीं मिल रहे थे। आखिरकार उसने कोशिश छोड़ दी और फिर गुड नाइट बोलकर रूम से बाहर आ गया। अदिति डोर लॉक करने के लिए मुड़ी, तभी विवान ने दरवाजे पर रुकते हुए कहा, अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज मुझे बता देना, एंड आई एम सॉरी फॉर व्हाट आई डिड। इतना कहकर वो बिना अदिति के जवाब का वेट किए वहां से अपने रूम में आ गया। वो अपने बेड पर लेटा तो था, पर सो नहीं पा रहा था। अदिति का रिएक्शन उसे परेशान कर रहा था। वो सोच रहा था, अब मैं कभी उसे फेस नहीं कर पाऊंगा। आज अगर उसे या मेरे बच्चे को कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी भी माफ नहीं कर पाता। शायद मुझे उसे अपने दिल की बात भी नहीं बतानी चाहिए थी। वो पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। मैं क्यों अदिति के इतना करीब गया, क्यों मुझे उससे प्यार हुआ, जबकि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि मैं जिससे भी प्यार करता हूँ या जिसे भी अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा चाहता हूँ वो मुझसे दूर हो जाता है, और अदिति का दूर जाना शायद मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। विवान की पूरी रात इन्हीं ख्यालों में बीती। अगली सुबह वो अदिति के उठने के पहले ही चला गया। वो अदिति के लिए कोई भी ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट नहीं करना चाहता था।
उसने बहुत सोचा और फिर ये तय किया कि उसे अदिति को सोचने के लिए थोड़ा टाइम देना चाहिए। इधर जब अदिति की आंख खुली तो रात का सारा इंसिडेंस फिर से उसकी आंखों के सामने आ गया। वो उठी और फ्रेश होने चली गई। वो आज अपने रूम से बाहर जाने में डर रही थी। वो विवान को फेस नहीं करना चाहती थी। अगर विवान ने फिर से वही सब बातें की तो, पर मैं यहां रूम में भी कब तक रहूंगी? मुझे बाहर तो जाना ही होगा ना। आखिर थोड़ी देर के बाद वो रेडी होकर किचन में चली गई। वो सोच रही थी, अगर विवान अभी मेरे जवाब का वेट कर रहा होगा तो, अगर वो डाइनिंग टेबल पर हुआ और उसने मुझसे मेरा जवाब मांगा तो मैं क्या बोलूंगी? अदिति ने जानबूझकर बाहर जाने में देरी की। वो उम्मीद कर रही थी कि विवान नाश्ता करके चला जाए और उसके बाद ही वो बाहर आए। ऐसा नहीं था कि अदिति विवान को पसंद नहीं करती थी, उसे विवान बहुत पसंद था। पर फिर भी वो भी ये नहीं तय कर पा रही थी कि वो उसे प्यार करती है या नहीं। वो पसंद करने और प्यार करने के बीच के फर्क में उलझी हुई थी। वो सोच रही थी, क्या विवान के साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी बिता सकती हूँ? No, I'm not sure about it. विवान एक अच्छा इंसान है पर मैं उसे प्यार नहीं करती हूँ। सच तो ये था कि उसे खुद भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो विवान के लिए कुछ फील करती है या नहीं। वो बहुत ही कंफ्यूज्ड थी और कंफ्यूजन की सिचुएशन में वो विवान को कोई जवाब नहीं देना चाहती थी। वो डरते डरते किचन से बाहर आई। उसने देखा डॉली टेबल साफ कर रही थी और विवान वहां नहीं था। इसका मतलब या तो वो चला गया है या अभी तक उठा ही नहीं है। टेबल पर बैठते हुए उसने डॉली से पूछा, डॉली विवान ने नाश्ता कर लिया? डॉली ने हंसकर जवाब दिया, हाँ दीदी, साहब तो नाश्ता करके चले गए। इतना कहकर उसने अदिति को इडली और सांभर सर्व कर दिया। डॉली की बात सुनकर अदिति ने चैन की सांस ली और फिर नाश्ता करने लगी। अदिति ने जल्दी से अपना नाश्ता खत्म किया और अपने रूम में आ गई। वो जानती थी कि वो ज्यादा समय तक विवान को अवॉइड नहीं कर सकती है। आखिर वो दोनों एक साथ रहते हैं तो उसे कभी ना कभी तो विवान के सामने जाना ही होगा। मैं विवान से ज्यादा दिन तक दूर नहीं रह सकती। ये विवान ने किस अजीब उलझन में फंसा दिया है यार। सब कुछ कितना सही चल रहा था पर अब कुछ भी नॉर्मल नहीं लग रहा। और आखिर इसे हो क्या गया है? वो अचानक यूं मुझसे प्यार कैसे कर सकता है? मुझे तो लगता है वो खुद भी मेरी तरह कंफ्यूज्ड है। साथ रहने की वजह से वो मुझे पसंद करने लगा है और इस फीलिंग को प्यार समझ रहा है। वरना विवान जैसे लड़के को भला मुझ जैसी लड़की से प्यार कैसे हो सकता है? पर अब मैं क्या करूं यार, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। रावी से भी बात नहीं कर सकती, कल ही तो उसकी शादी हुई है और आज मैं अपना दुखड़ा लेकर उसके सामने खड़ी हो जाऊं? नहीं, ये सही नहीं होगा। तो क्या करूं, किससे बात करूं? रॉकी से बात करूं क्या? क्या वो समझेगा? नहीं यार, उसे तो विवान के बारे में कुछ पता ही नहीं है। अगर उससे बात की तो शुरू से सब कुछ बताना पड़ेगा। इस सरोगेसी के बारे में भी, फिर वो पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेगा। नहीं नहीं, मैं इतना सब कुछ ऐसे नहीं बता सकती। पर फिर मैं करूं क्या, किससे बात करूं इस बारे में? अदिति को अपने आसपास कोई भी ऐसा नहीं दिख रहा था जिससे वो इस बारे में बात कर सके और उसे खुद भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अगले पूरे हफ्ते वो विवान के सामने आने से बचती रही। सुबह उसके जाने के बाद ही वो अपने रूम से बाहर निकलती और शाम को उसके आने से पहले ही खाना खाकर सो जाती। इन दिनों में विवान एक दो बार उसके रूम में आया था तो उसने सोने का नाटक कर दिया था। फिर विवान सिर्फ उसे देखकर चला गया। अदिति को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था पर वो उस मोमेंट से बचना चाहती थी जब उसे विवान को उसके आई लव यू का जवाब देना होगा। वो सोच रही थी, मैं क्या कहूंगी उससे? हाँ नहीं बोल सकती और ना ही ना कर सकती हूँ। अगर ना की तो उसका दिल टूट जाएगा, वो भी दूसरी बार। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं उसे हमेशा खुश देखना चाहती हूँ पर उसे खुश करने के लिए उसे आई लव यू तो नहीं बोल सकती ना। अदिति और विवान के बीच बात हुए एक वीक से ज्यादा हो गया था। अब अदिति भी उसे मिस करने लगी थी पर उसका डर उसे विवान के पास जाने से रोक रहा था। अदिति सोच रही थी, विवान पता नहीं क्या सोच रहा होगा। मुझे उसके साथ शायद ऐसा नहीं करना चाहिए। उसने तो सिर्फ अपने दिल की बात मुझसे कही थी, इसमें तो कुछ गलत नहीं है। कहीं वो मुझसे गुस्सा हो गया तो? ये सब सोचते सोचते उसे अचानक थोड़ी घबराहट होने लगी। उसने देखा उसके रूम में पानी खत्म हो गया था। वो उठी और किचन में पानी पीने के लिए जाने लगी। उसे थोड़ा पसीना आने लगा था। उसे डर लग रहा था कि उसे इतनी तेज घबराहट क्यों हो रही है।
वो जैसे तैसे फ्रिज तक पहुंची और उसने पानी का बॉटल निकाला। अदिति, तभी पीछे से उसने अपना नाम सुना। अदिति का दिल इतनी जोर से धड़का कि एक पल को उसे लगा मानो ये उछलकर बाहर ही आ जाएगा। वो पलटी, उसने देखा विवान उसके सामने खड़ा था। एंड फॉर अ चेंज आज वो टी शर्ट और शॉर्ट्स में था। विवान ने उसके पास आते हुए पूछा, तुम ठीक हो ना? तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? अदिति ने पानी पिया और फिर डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए बोली, हाँ शायद बीपी फ्लक्चुएट हो रहा है। विवान ने टेंशन में आते हुए कहा, डॉक्टर के पास चलें। अदिति ने थोड़ा सा पानी पिया और कहा, नहीं नहीं इसकी जरूरत नहीं है, मुझे एप्पल खाना है। अदिति को अपने सेंटेंस पर खुद हैरानी हो रही थी। विवान ने मुस्कुराते हुए फ्रिज से एप्पल निकाले और उन्हें काट कर अदिति को देने लगा। अदिति एप्पल खाकर अच्छा फील कर रही थी। विवान चुपचाप बैठा उसे खाते हुए देख रहा था। जब अदिति का खाना हो गया तो उसने मुस्कुराकर विवान को कहा, थैंक यू, पर तुम इतनी रात को जाग क्यों रहे हो? विवान ने खड़े होते हुए कहा, बस ऐसे ही, नींद नहीं आ रही थी, फिर तुम्हारे रूम के दरवाजे की आवाज सुनी तो मैंने आकर देखा। तुम्हें तकलीफ हो रही थी, मुझे जगा देना चाहिए था ना? अदिति ने भी खड़े होते हुए कहा, मुझे इतना सूझा ही नहीं, अचानक से बहुत घबराहट होने लगी थी, बट नाउ आई एम फीलिंग बेटर। अच्छा मैं चलती हूँ, गुड नाइट। इतना कहकर वो अपने रूम की ओर जाने लगी। विवान ने उसे रोकते हुए कहा, अदिति अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही हो तो क्या हम कुछ देर तक बात कर सकते हैं? अदिति ने हाँ में सिर हिलाया और पलट कर फिर से बैठने लगी। विवान ने कहा, नहीं या नहीं, तुम्हारे रूम में चलते हैं ताकि तुम आराम से बात कर सको। चाहो तो लेट भी सकती हो, पर हम आराम से बात कर पाएंगे। इतना कहकर विवान उसके रूम की ओर चल दिया। अदिति भी मुस्कुराते हुए उसके पीछे चल दी। उसके केयरिंग नेचर पर तो वो हमेशा से ही फिदा थी। चलते चलते वो सोच रही थी, ये इतना केयरिंग कैसे है यार, हर छोटी बात इसे पता रहती है, मेरी हर छोटी बात की चिंता करता है। He is just too good. पर अब जो बात ये करने वाला है उसका क्या करूं? अब तो मैं कहीं जा भी नहीं सकती, अब मुझे फाइनली इसे फेस करना ही होगा। हाँ तो ठीक है ना, इसमें इतना डरने की क्या बात है? मैं उसे कह दूंगी मैं उसे प्यार नहीं करती हूँ, कोई जबरदस्ती तो नहीं है ना कि मुझे भी उसे प्यार करना ही होगा, उसे ये बात समझनी होगी। विवान से ये सब कहने के लिए वो अपनी सारी हिम्मत जुटा रही थी। अदिति अपने रूम के अंदर गई और उसने पलट कर देखा कि विवान रूम के बाहर ही खड़ा था। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, मे आई कम इन? अदिति ने हैरानी से पूछा, तुम्हें पूछने की क्या जरूरत है, वैसे भी ये तुम्हारा घर है, तुम कहीं भी आ जा सकते हो। इतना कहकर वो दरवाजे से साइड हो गई और विवान को अंदर आने का रास्ता दिया। विवान ने अंदर आते हुए कहा, हाँ पर ये कमरा तुम्हारा है और यहाँ पर किसी को भी आने से मना करने का तुम्हें पूरा हक है। अदिति इस बात पर मुस्कुरा दी और बोली, इतनी रात को तुम यहाँ मुझे मेरे हक समझाने आए हो? नहीं, मुझे तुमसे कुछ और बात करनी थी। इतना कहते हुए विवान आराम कुर्सी पर बैठ गया। अदिति अपने बेड के कोने पर पालती मारकर बैठ गई। उसने तकिया उठाकर अपनी गोद में रखा और बोली, अच्छा तो बताओ क्या बात करनी थी?